हाँ फ्रेंड्स, मजुमदार फार्म से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुर्गी की जो पॉक्स, फाउल पॉक्स होता है, यानी हिंदी में इसको माता भी बोला जाता है, इसके उपचार के। तो ये नॉर्मली बसंत ऋतु में होता है, यानी अभी के जो टाइम रहता है मार्च अप्रैल, इसमें ये आता है। इससे ये होने के बाद मुर्गी खाना पीना छोड़ देता है, और इसके साथ साथ इसमें बुखार भी थोड़ा आ जाता है, और मुंह के अंदर गले में भी ये चीज़ हो जाता है। इससे मुर्गी खाना पीना छोड़ देता है, इससे धीरे धीरे मुर्गी मरना शुरू हो जाता है। इसे हम कैसे कम करें, या इसको एकदम ख़त्म कैसे, जड़ से ख़त्म कैसे करते हैं, उसका हम एक घरेलू नुस्खा हम बताएंगे। तो इसमें नॉर्मली इसका जो वैक्सीन रहता है, टीका रहता है, वो आता है जो पंख के नीचे किया जाता है। इसके अलावा आप इसको घर में ही एकदम निर्मूल कर सकते हैं। इसलिए आपको घर में, आपका सबका घर में टमाटर रहता है, तो इस टमाटर कौन सा भी हो, पका हुआ थोड़ा टमाटर लेना है आपको, और लेने के बाद इसको पीस पीस करके काट लेना है। ठीक ऐसे पीस पीस करके इसको काट लिए। काटने के बाद एक एक टुकड़ा लेना है, और मुर्गी का जो पॉक्स यानी माथा जहाँ जहाँ हुआ है, इसमें इसे घिस घिस के लगाना है। देख सकते हैं आप, इसको घिस घिस के ऐसे लगा देना है, इसमें टमाटर को पूरा घिस घिस के लगाने के बाद, जिधर जिधर दिख रहा है आपको, मुंह में ज़्यादातर दिखेगा, तो घिस घिस के लगाने के बाद जो अवशिष्ट यानी बचा हुआ टमाटर हाथ में रहेगा, उसको खिला देना है पकड़ के, क्योंकि इसमें ये नॉर्मली गले के अंदर भी हो जाते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। उसको घिस घिस के उसको खिला देना है। ऐसे 3 से 4 दिन आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो ये नॉर्मली दोपहर के टाइम करना है, क्योंकि सुबह या शाम को अगर आपने किए तो उसको सर्दी लग जाएगा, सर्दी लग सकता है। तो इससे आपका 4-5 दिन के बाद एक कम होते शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये काफ़ी असरदार है, तो ये आप यूज़ कीजिए, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हुए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और साइड में जो बेल है वो भी बजा के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।